वो चले गए हैं जहाँ पे उनके वहाँ के प्लॉट उन्होंने उगाए हुए हैं वहाँ पे। हाँ जी क्रीम। ओ भाई इतना स्ट्रांग है ये ना। बर्फ कितने टाइम तक रहती है यहाँ पे? 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने। इनको बाहर के लोगों में मतलब भरोसा नहीं है। ये इनका कहना ये है कि बाहर से लोग आते हैं और झूठ मूठ डाल देते हैं अपनी वीडियो में बस व्यूज के लिए। सारे रियल है। यहाँ पे खेती होती है जो भांग की, वो इसी रीजन की वजह से होती है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज संजय चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मॉर्निंग की शुरुआत अगर हो ना तो एक कप कड़क चाय के साथ और सामने ऐसा व्यू। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम पहुंच चुके थे मलाना विलेज और रात को हमने यहीं पे स्टे किया मलाना विलेज में ही। पिछले कल हम रात को पहुंचे थे यहाँ तो ज़्यादा हम आपको दिखा नहीं पाए यहाँ पे मलाना विलेज में क्या है क्या नहीं है। पर एज़ यू कैन सी सुंदरता यहाँ पे चारों ओर भरी हुई है और आज हम करने वाले हैं मलाना विलेज को एक्सप्लोर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब रूल्स हैं। एक तो मैं अभी आपको सामने ही बता देता हूँ, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको यहाँ पे, अगर मैं इसको टच कर दूँ तो मेरे को फ़ाइन देना पड़ सकता है 5,000 तक, क्योंकि यहाँ के लोगों की मान्यताएँ हैं कुछ, यहाँ के जो देवता हैं वो अलाउ नहीं करते कि बाहर के लोग टच करें इनकी चीज़ों को। तो ये भी एक चीज़ है और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अजीबोगरीब रूल्स हैं जो कि मैं आज आपको बताऊँगा। फटाफट चाय पीते हैं और निकलते हैं। रात को एक लोकल से भी बात हुई हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई हमारे को, मैं हैरान रह गया। हैरान इस बातों से कि यहाँ के रूल्स और जो चीज़ें मैंने देखी ये। इसके कहने का मतलब है इतना ओपन में हमने ये सब कभी नहीं देखा अभी। हमारे उधर ऐसा होता ही नहीं है कहीं पे। ओपन में किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं वो भी आपको पता लग जाएगा। मलाना क्रीम तो आपने सुना ही होगा। नाइट कैसी रही भाई जी? बहुत ही बढ़िया, अच्छे से सो पाया मैं यहाँ पे। ऐसा लगा कि मैं कहीं बाहर आया हूँ। ठंड कैसी है यहाँ? ठंड ठंड तो बहुत ज़्यादा है भाई, पर कंबल के अंदर घुस के ठंड का एहसास नहीं होता। थोड़ा मैं अब आपको हिस्ट्री बता देता हूँ मलाना गांव के लोगों की, जो रियलिटी में हिस्ट्री रह चुकी है मलाना की वो बताता हूँ मैं आपको। जमदगन ऋषि जी के समय की एंशियंट टाइम की एक और स्टोरी है। जमदगन ऋषि जी जो यहाँ के लोकल देवता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। तो उनकी घोर तपस्या के बाद शिव जी प्रकट हो गए उनके सामने और शिव जी ने उनसे कहा कि कोई वरदान मांगने को। तो जमदगन ऋषि जी ने एक ऐसी जगह मांगी शिवजी भगवान से जो प्रकृति की सुंदरता से भरी हो और एकांत में हो। तो शिवजी ने उन्हें मलाना जाने के लिए कहा, पर जमदगन ऋषि जी के जो दो भाई थे वो भी मलाना जगह को हासिल करना चाहते थे। तो जमदगन ऋषि ने एक धुंध क्रिएट की, फॉग क्रिएट की, ताकि ये मलाना गांव जो है उस धुंध में ढक जाए, दिखे ना। और जमदगन ऋषि ने अपने भाइयों से कहा कि ये जगह अच्छी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी तुम रहना चाहते हो तो रह सकते हो। जमदगन ऋषि की बात सुनके उनमें से एक भाई चला गया बंजार और एक भाई चला गया लाहौल। मलाना विलेज पहले से ही एक राक्षस के कब्जे में था जिसका नाम था बाणासुर। तो फिर होता है युद्ध बाणासुर और जमदगन ऋषि जी के बीच में, और ये युद्ध आता है एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में, कुछ कंडीशंस पे कि प्रशासन प्रणाली को कोई और संभालेगा और न्याय प्रणाली को कोई और संभालेगा। इस तरह यहाँ का लोकतंत्र भी बना था। तो ये स्टोरी है यहाँ की। एक माना जाता है कि जो मलाना गांव के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं ना उसको बोलते हैं राक्षसी लैंग्वेज भी, क्योंकि वो बाणासुर की लैंग्वेज थी उनके समय की, एशियन टाइम की लैंग्वेज थी और वही आज तक फॉलो होती है मलाना में। और उस लैंग्वेज को कनाशी भाषा बोला जाता है जो यहाँ के लोग बोलते हैं। तो ये रहे हमारे भाभी जी। कैसा रहा नाइट स्टे भाभी जी आपका? बहुत अच्छा, बढ़िया रहा ना? ठंड नहीं लगी? इट्स कोल्ड इन मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमने स्टे किया था, अभी हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। फिलहाल हम जो मलाना गांव है उससे थोड़ा सा दूर है। जो भी रहने के ऑप्शन है ना वो गांव के बाहर ही है, मतलब गांव की एक बाउंड्री है, गांव की बाउंड्री से बाहर है जो स्टे के ऑप्शन बने हुए हैं। यहाँ पे गांव के अंदर स्टे नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। यहाँ पे यहाँ से मलाना वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, हम जाएंगे 5 फीट। अब बहुत ही शॉकिंग चीज़ें पता लगी है मलाना के बारे में, जो कहीं और चीज़ें होती ही नहीं है वो चीज़ें होती हैं मलाना में। तो चलो दोस्तों, ये वाला रास्ता जा रहा है गांव की तरफ को, मलाना की तरफ को। यहाँ से लगेंगे कितना, 2 मिनट ही लगे थे ना पिछले कल? तो 2 मिनट, 2 से 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं होता ये ना, पर क्या बोलते हैं इसको, काली। We don't know right now the name दोस्तों, यहाँ पे इस तरह के पेड़ मिलेंगे पूरे मलाना में आपको। और ये वाले पेड़ ना काफी हाइट पे होते हैं। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, जो पहाड़ी आपको दिख रही है ना, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो मलाना विलेज है ये बिल्कुल टॉप पे है, टॉप पे सिचुएटेड है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जुकाम हो गया हमारे को।
आवारा मेरे को हो गया मोटा जुकाम भाई, मेरी नाक बह रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने अंदर से अमूल बॉडी वार्मर भी पहन रखा है ऐसी धूप में भी। मैंने भी अंदर से अमूल बटर पहन रखा है गाइस। ये देखो दोस्तों माउंटेन्स जिसकी चोटी पे स्नो पड़ी हुई है, कितने पास है हमारे, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सामने ही है। यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है देखने से। तो हम पहुंच चुके हैं मलाना विलेज दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट होता है दोस्तों मलाना विलेज मेन। अब दिखाता हूँ आपको यहाँ की इंटरेस्टिंग चीजें, बताता हूँ अब आपको। चलो दोस्तों, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी, ये मधुमक्खी के छत्ते बनाए हुए हैं यहाँ के लोकल्स ने, वो इनको बनाते हैं और मधुमक्खी इन पे रहना स्टार्ट करती है और यहाँ पे अपना शहद देती है। तो दोस्तों कितने कितने पुराने घर हैं ये, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने घर हैं ये जो आपको यहाँ से दिख रहे हैं। लकड़ी तक काली पड़ चुकी है इसकी। गांव में इतनी शांति पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 90% जो गांव वाले हैं वो यहाँ पे गांव में है ही नहीं। उसका रीज़न पता क्या है? वो चले गए हैं जहाँ पे उनके वहाँ के प्लॉट उन्होंने उगाए हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि उनका सीज़न चला हुआ आजकल और वो वहीं रहते हैं। 2 महीना चलता है उनका ये सीज़न और 2 महीना वो वहीं, 2 महीने बाद आएंगे वो अपने घरों में वापस, इसलिए गाँव आजकल खाली है। हर जगह आपको मलाना गाँव में ये चीज़ें लिखी हुई मिल जाएगी, जैसे वहाँ लिखा है डू नॉट टच फाइन, मतलब 5,000 फाइन देना पड़ेगा आपको अगर आपने कुछ टच कर लिया तो, सोच समझ के। 5,000 से नीचे नहीं है फाइन भी देना, 5,000 से नीचे बात ही नहीं होती है। और दोस्तों आज से लगभग 5 साल पहले ना इस गांव में गिने चुने घर थे लगभग 10-15 घर, और अब इतने ज़्यादा घर है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ देखो हर जगह कंस्ट्रक्शन चली हुई है, वहाँ देखो वहाँ भी एक घर बन रहा है। दिखने में तो मलाना विलेज हिमाचल के बाकी विलेजेस जैसा ही है, जैसे कि उसी तरह के पुराने समय के लकड़ी के बने घर और सर्दियों में आग जलाने के लिए यूज होने वाली लकड़ियों का अलग से स्टॉक। दोस्तों यहाँ पे देखो भांग का प्लॉट बिल्कुल गांव के बीच में, भांग उगाई हुई, ये तो सारी मलदी है ना, अब सीजन हो गया इसका, इससे निकाल दिए, इसका यूज हो चुका है। यहाँ देखिए मैंने वो मोड़ दिया, ये है मलाना का स्टफ। ओ भाई इतना स्ट्रॉन्ग है ये ना, इसकी स्मेल आ जाती है दूर से ही दोस्तों। और यहाँ देखो दोस्तों ये यहाँ का स्कूल है, गवर्नमेंट से सेकेंडरी स्कूल मलाना में हाल ही में बना है, पर अभी 2 महीने तक यहाँ पे कोई भी ना स्टूडेंट आएगा ना टीचर्स आएंगे क्लासेस लगाने के लिए। उसका रीज़न ये नहीं कि छुट्टियाँ है, उसका रीज़न ये है कि जो भी बच्चे हैं वो गए हैं आजकल अपने प्लॉट में जहाँ उन्होंने ये भांग उगाई हुई है। और यहाँ पे चाहे छोटा हो या बड़ा हो अपना बिजनेस खुद कर रहा है, ये कॉमन है यहाँ पे बहुत। अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों बिल्कुल ही सेंटर में मलाना गांव के, ये बिल्कुल सेंटर है। चारों ओर एक बार दिखा देते हैं आपको घूम के, आज से बहुत साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो कि एक बहुत ही बड़ा लीडर था जिसने बहुत सारी टेरिटरीज जीती थी इंडिया में। उसके जो फाइटर्स थे ना सैनिक, उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे और लड़ाई छोड़ दी थी और फिर वो यहाँ आके बसे थे। फिर उन्होंने शादी की, उनके बच्चे हुए और उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो ये मलाना गांव के जो भी लोग हैं ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के सैनिकों के वंशज है। हमारी जो लैंग्वेज है ना कुल्लवी, वो पूरे कुल्लू में बोली जाती है और समझ भी सबको आ जाती है। अगर बोलनी नहीं आती तो समझ तो एटलीस्ट आ ही जाती है, पर मलाना गांव की जो लैंग्वेज है ना ये मलाना गांव के लोग ही बोल पाते हैं और समझ भी पाते हैं। बाहर का कोई आपके और मेरे जैसे लोग समझ ही नहीं सकते इनकी लैंग्वेज क्या है, बहुत यूनिक। मलाना गांव की जो पंचायत की मीटिंग्स वगैरह होती है ना वो यहाँ पे बैठ के होती है, सारे गांव वाले यहाँ पे बैठ के डिसाइड करते हैं गांव की कोई भी चीज़ हो, तो ये एरिया है पंचायत की मीटिंग के लिए। यहाँ घर नहीं छू सकते, मंदिर नहीं छू सकते, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सेंटर है। यहाँ देखिए, अच्छा, ये यहाँ पे दान पेटी है, तो यहाँ पे आप दान कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ये जो जूते को गोट है उसके सर का लगाया हुआ है, उसका सर है ये ओरिजिनल है, उसका सर काट के लगाया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप इस मंदिर में। और ये है यहाँ का पहनावा, इस पवित्र स्थान को छूने पर 3,500 मतलब इसको टच नहीं कर सकते हो आप। जो भगवान है उनके आशीर्वाद के रूप में मिलता है यहाँ पे ये फ्लावर। हाँ होता है, कई ने बोला हुआ बढ़िया बना वीडियो अच्छा बना।
नमस्कार दादाजी, नमस्ते कैसे हैं दादा आप? जी। कैसे हैं आप? ठीक है, चल ही नहीं सकता है, बीमार, 2 साल से बीमार है। अच्छा, अच्छा राजपूत चाहिए। अच्छा राजपूती है। आप भी नहीं जाता है? हाँ, हर धो के जाता है। अच्छा, मुँह हाथ धो के। कितनी उम्र हो गई होंगी दादाजी आपकी? हो गया 80-90। 80-90 हो गए। ये कितने पुराने हो रहे हैं? 100 साल से भी ज्यादा है। ये जो यहाँ पे सींग वगैरह लगे, ये असली बकरे के हैं? बिल्कुल असली है ना ये? ये तो बकरे का है। आजकल कर रहे फिर लकड़ी कटा आप लोग? बर्फ कितने टाइम तक रहती है यहाँ पे? तो विशाख तक रहता है, बर्फ पड़ा रहता है। 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने अंदर अंदर ही घर पे ही रहते हैं? आता है घर पे ही रहते होंगे अंदर अंदर? हाँ, घर में अंदर ही बैठता है। कोई बीमार शिमार फिर कैसे करते हैं? क्या करना, मजबूरी से जाना पड़ता है, कोई जोरे जोरे ले जाएगा। ज्यादा ज्यादा बीमार नहीं पड़ते होंगे यहाँ? ज्यादा बीमार नहीं पड़ते होंगे यहाँ के लोग? पड़ जाता है, सब क्या करना, ऐसे ही है हमारे गाँव में। रोड वगैरह खोलने का कुछ है नहीं, सुविधा रखी हुई लोग इनकी मान्यता के अनुसार, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो टच नहीं कर सकते मंदिर को, पर अपर कास्ट के लोग हैं तो वो हाथ पैर धोने के बाद, नहा धोने के बाद अच्छे से फिर जाके मंदिर को टच कर सकते हैं। भाई सुन लिया ना तुमने, 6-6 महीना यहाँ पे बर्फ रहती है, और जब बर्फ आती है तो इतनी आती है, ऐसे में अगर कोई यहाँ पे बीमार भी हो जाता है तो मतलब मजबूरी का नाम क्या दिया इन्होंने उसको, कि मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। ऐसे में कोई बीमार हो जाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यहाँ का स्ट्रगल भी एक अपने आप में अलग तरह का स्ट्रगल है। अब इतने ऊपर ऊंचाई में पहाड़ों में रहना, यहाँ पे रोड्स की बात की हमने तो वो कह रहे हैं कि रोड भी मतलब बना था रोड, पर ये बर्फ के करके, लैंडस्लाइड्स के करके वो टूट जाता है, तो उसे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा ऐसा सिस्टम है दोस्तों, इनको बाहर के लोगों में मतलब भरोसा नहीं है। जैसे हम शूट करते हुए दिखे इनको, तो पहले इन्होंने मना कर दिया हमें शूट करने के लिए, क्योंकि ये इनका कहना ये है कि बाहर से लोग आते हैं और झूठ मूठ डाल देते हैं अपनी वीडियो में बस व्यूज़ के लिए, तो जो चीज़ है ही नहीं सच। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको डालना है कुछ तो सच डालो, ऐसी फालतू चीज़ें मत डालना। और सच बताया उन्होंने ये है कि हम 6 महीने तो पैक ही रहते हैं, क्या कमाना हमने, क्या खाना, ये बताया। 6 महीने इतनी बर्फ रहती है कि गले तक होती है इनके, तो मतलब घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। आजकल ये लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, आजकल ये लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं सर्दियों के लिए, जो कि 6 महीने वो आने वाले हैं जिसमें 6 महीना यहाँ बर्फ रहेगी, तो उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको कितनी लकड़ियाँ इकट्ठा कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा ये वीडियो में भी नहीं आते हैं, ये गाँव के लोग मना करते हैं कि हम वीडियो में नहीं आएंगे। तो चलो, यहाँ पे एक मंदिर है, इसमें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस मंदिर में हिरन का जो सर है वो लगाया हुआ है, रियल है वो। ये जो आप फेस देख रहे हैं ना, डियर फेस, ये रियल है। और जो भी यहाँ पे भेड़ बकरी के आप सर देख रहे हैं ना लगे हुए इस साइड, ये सारे रियल है, वो वाले आर्टिफिशियल है, पर ये वाले सारे रियल लगाए हुए हैं इन्होंने। सिर्फ ये वाला आर्टिफिशियल है, ये वाला, बाकी ये भी रियल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल सींग है सारे। यहाँ के लोग बाहर की जो दुनिया है उसे कोई भी ज़्यादा कोई कनेक्टिविटी नहीं चाहते हैं, इनको आइसोलेटेड रहना बहुत पसंद है। यहाँ पे खेती होती है जो भांग की, वो किसी रीज़न की वजह से होती है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि खेती ये करते हैं सब्जियों की भी, जैसा टमाटर हो गया, गोभी हो गया, आलू हो गए, पर यहाँ पे जो जानवर है, जंगली जानवर, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वो इनके खेत में आके इनकी फसलें ख़राब कर देते हैं, तो इनके पास ऑप्शन बचता है एक ही, और वो तो आपको पता है भांग की खेती। तो उस भांग की खेती करते हैं और उसी से अपना कमाई करते हैं और अपना घर चलाते हैं। गिनी चुनी यहाँ पे शॉप्स भी मिल जाएंगी आपको, सारा सामान नीचे से उठा के ले आते हैं यहाँ तक। अब 1 घंटा चलते हैं, 1 घंटा चल के पहुँचना होता है यहाँ पे, सिलेंडर वगैरह तक पहुँचे हैं। ये भी दोस्तों जो है, ये भी एक सीक्रेट प्लेस है इनका, यहाँ पे भी अगर आपने टच कर दिया गलती से तो आपको दंडित किया जाएगा और फाइन दिया जाएगा, आपसे यहाँ पढ़ सकते हैं। ये यहाँ से आपको जितना भी दिख रहा है ना, जितना भी नीचे तक, सारी यहाँ पे भांग की खेती है, पर ये सारी मल चुके हैं यहाँ पे, तो ऐसी बात है भाई। व्यू देखो दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा शूट हम कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पे ना,
तो कम कम ही चीज़ें आपको बताएंगे, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखा है इन लोगों ने। तो हम निकल गए हैं मलाना विलेज से बाहर, और मलाना विलेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इनकी पुरानी सभ्यता, जितना भी इनकी मान्यता वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं वैसे, पर कुछ एक चीज़ें हैं जो हम दिखाना चाहते हैं पर हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ आप शूट नहीं कर सकते हो। तो उसके बारे में तो हम रिस्पेक्ट करते हैं गाँव वालों की मान्यता की, तो हम अब हेलना नहीं कर सकते उनकी रिक्वेस्ट की। निकल चुके हैं हम गांव से बाहर, अब टाइम भी हो चुका है मेरे ख्याल निकलने का हमारे, तो चलिए। हाँ जी, क्रीम नहीं नहीं हम नहीं। और गांव से निकलने के बाद आपको यहाँ पे ये जगह मिल जाएगी पानी पीने के लिए। तो और दोस्तों, यहाँ पे मलाना में इज़राइल के बहुत सारे लोग थे कुछ टाइम पहले तक, पर जैसे ये वॉर स्टार्ट हुई ना, हमास टेररिस्ट और जो ये इज़राइल है, तो एक नोटिस जारी हो गया गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्हें अपनी कंट्री में वापस जाना होगा। तो कम से कम 60 से 70 तक जो इजरायली लोग यहाँ रह रहे थे, वो भी यहाँ से कुछ दिनों पहले अपनी कंट्री के लिए रवाना। अच्छा, अगर कोई जैसे कानूनी कार्रवाई कोई भी होती, वो गांव में ही होगी? गांव में ही होगा ज्यादा करके, मलाना में ही होगा ज्यादा करके। घरों में चोरियां हो रही है? घरों में चोरी हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आजकल यहाँ पे सीजन चला हुआ है, तो लोग वहाँ से, ये मलाना विलेज है, लोग आजकल अपने विलेज छोड़ के अपने प्लॉट्स की तरफ गए हैं, उस साइड उनके प्लॉट्स है, वो दो दो महीना वहीं रहते हैं। तो ऐसे टाइम में ये जो घर है सारे, ये खाली हैं आजकल। तो यहाँ के ये जो लोकल भाई अभी हमारे को मिले थे, वो बता रहे हैं कि गाँव घरों में चोरियाँ हो रही है क्योंकि घर खाली है ना। अब पता नहीं, बोला ये लोकल बंदे ही चोरी कर रहे हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, तो ये भी हो रहा है आजकल यहाँ पे। और यहाँ से कुछ दूरी में पड़ती है वाइचिन वैली, 5-6 किलोमीटर की दूरी में, और मेन जो टूरिस्ट जा रहा है वो उसी तरफ को जा रहा है, यहाँ पे बहुत कम लोग आ रहे हैं मलाना विलेज में आजकल। वाइचिन वैली बन चुकी है मिनी कसोल एक्चुअल में अब। तो दोस्तों, ये है मलाना विलेज, और अब हम जा रहे हैं अपोजिट साइड को, अब निकलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे नीचे वहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है, और हमारे को अभी पैदल जाना पड़ेगा, यहाँ से लग जाएंगे कम से कम 10-20 मिनट। भूख भी लग रही है, खाते भी हैं कुछ, चलो अब। तो दोस्तों, निकल गए हम वापस, अब बुरी तरह थक चुके हैं हम, हालत खराब हो चुकी है, मेडिकल स्टोर जा रहे हैं दवाई ले ले इसके लिए। मेरे को जुकाम हो गया बहुत ज़्यादा। फाइनली बैठ गए हम यहाँ गाड़ी में अब। यहाँ देखो दोस्तों, व्हाट अ ग्रेट वाटरफॉल, और यहाँ देखो सामने व्यू दोस्तों, हमें यहाँ पे मिला ये अमेजिंग सा वाटरफॉल, और यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा व्यू है, यहाँ पे बहुत अच्छा फील आ रहा है। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे रुकेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमें एक वाटरफॉल भी मिला है। 10 बार बोला है, कितनी बार बोला अभी अभी तो बोला। मलाना विलेज का आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, मलाना विलेज की जो एग्जैक्ट हिस्ट्री थी वो हमने आज पता की और आपको भी बताई। और इससे पहले मैंने कई सारे ब्लॉग्स देखे वैसे यूट्यूबर्स के, जो मलाना में गए थे ब्लॉग बनाने के लिए, उन्होंने इस एग्जैक्ट हिस्ट्री को कवर नहीं किया था। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की, और मेरे साथ हेल्प की भाभी जी ने, भाई जी ने रिसर्च करने में, और हमने आपको बताई हिस्ट्री। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर अगर गलती से नहीं हो ना तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी के लिए आप इंजॉय कर सकते हैं ये व्यू।